सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोने जा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोने जा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोने जा। भाई जे कदे तवा पेंजे बारन जी मिटी माटी ता कयो ए हुनन जी मीटिंग करण लाए होटल जा खर्च करे रहया आयो त तवा जी लाए एक खुशखबरी आहे risto.com जो रिश्तो मीट एक शानदार आलीशान मीटिंग रूम जेको तवा के बिल्कुल फ्री में मिलंदो कोई भले तवा जी मेंबरशिप होजे या न हते 10 का 15 मानु आराम सा ऑक्युपाई थी सकना हन त पोए देर छा जी अज ही विजिट कयो रिश्तो मीट में risto.com सिंधन जो सिंधन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। हिललाइन पुलिस स्टेशन की हद में गुरुवार रात को उल्लासनगर कैंप 5 ओटी सेक्शन गणपति मंदिर के बाहर बीच रास्ते भरत दुसेजा नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। भरत दुसेजा के चेहरे पर, छाती पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई है। भरत दुसेजा ये कैंप 4 सतरामदास हॉस्पिटल परिसर के रहवासी हैं। भरत दुसेजा की हत्या के आरोपी को हिललाइन पुलिस ने 5 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। गौरव उड़ान शिवे यह आरोपी का नाम है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नवरात्रि उत्सव के समय पर किसी विवाद को लेकर मृतक ने आरोपी की जानकारी दी थी, जिसके चलते आरोपी गौरव की कुछ लोगों ने पिटाई की थी, जहां हत्या के आरोपी गौरव ने इसी संध्या में गुरुवार देर रात को धारदार हथियार से बीच रास्ते पर भरत दुसेजा की हत्या कर दी। हिललाइन पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी गौरव उड़ान शिवे को गिरफ्तार कर लिया है और आज आरोपी को न्यायालय में हाजिर किया गया, जहां न्यायालय ने आरोपी को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आइए जानते हैं भरत दुसेजा हत्या प्रकरण को लेकर हिललाइन पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल जगताप क्या बता रहे हैं। 24/10/2024 को महेश्वर हॉस्पिटल के सामने रास्ते पे एक अज्ञात आरोपी ने चाकू से वार किया, ऐसा मालूम पुलिस स्टेशन में मिलने के बाद वहाँ पे पुलिस ताबड़तोड़ जाके आरोपी का कोशिश किया मिलने के लिए, लेकिन आरोपी नहीं था वहाँ पे। जख्मी का नाम है भरत श्यामलाल दुसेजा, उम्र 40 साल। ये जख्मी अवस्था में वहाँ पे पड़ा था, उसको तुरंत सेंट्रल हॉस्पिटल में पहुँचाया गया, उस पर दवा उपचार करते थे, उसको मृत घोषित किया गया। ये जो दूसरा, ये इस बारे में उसका भाई मनीष बिहारी लाल दुसेजा, इन्होंने पुलिस स्टेशन में उसकी हत्या के बारे में कंप्लेंट दर्ज की। उसके दर्ज करने के बाद कोशिश पूरी तहकीकात की गई। तहकीकात में ये जो मयत है, उसने नवरात्र में आरोपी के बारे में मालूमात देने के बाद आरोपी को 3-4 लोगों ने मारहाण किया था, उसके बारे में हिललाइन पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल है। और उसके कारण के उसके ऊपर ये आरोपी ने मयत जो है उसने आरोपी का नाम बताने के बाद उसको शंके आने के बाद उसने संशय के ऊपर उसको कल कैंची से मारा है, ऐसा तपास में निष्पन्न हो रहा है। सर, आरोपी अटक हुआ है? आरोपी को कल ही अटक किया है 5 घंटे में। आरोपी को अटक करके उसको पुलिस कस्टडी रिमांड में दी गई है। पुलिस कस्टडी रिमांड 29/10/2024 तक दी गई है। सर, आरोपी का नाम? आरोपी का नाम है गौरव किरण उड़ान शिवे, उम्र 23 साल, इंदिरा नगर रहने वाला है। सर, आरोपी और मयत के बीच में कुछ आर्थिक लेन देन वगैरह का मामला है? आरोपी के मयत के बीच में कोई लेन देन का मामला अभी तक साबित नहीं हुआ है, अभी तपास चालू है, तपास के बाद में उनके बारे में डिटेल्स मालूमात मिलेगी। आरोपी के ऊपर कोई पहले का कोई केस वगैरह दर्ज है? सर, आरोपी के ऊपर एक 363 एक अल्पवयीन लड़की 16 साल की, उन्होंने भगा के लेके गए थे, उसके बारे में केस दाखिल है और उसमें उसको अरेस्ट हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।